दिखा दे। वो भी कहता है मास्टर कि आप एकला ही लाइनर जा रहे हो, उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था सीमास ने, तो जब लोग वहाँ पे पहुँचेंगे ना तो मैं उनकी बॉल्स को चकना शुरू कर दूंगा। दिखा दे लेने उसे पूछता है जागडू क्या तुमको वहाँ पर जाने का रास्ता पता है, पेगलेनर जाने का रास्ता। दिखा दे उसकी बात सुनने के बाद जागडू थोड़े स्पोज में आ जाता है, जैसे कि वो थोड़ा सोच विचार कर रहा हो। लिहाई भी वहीं बैठे आता है थोड़ी देर के लिए, और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है लिहाई उसे जबरदस्त लात मार के पानी में फेंक देता है और कह रहा होता है तुम तो किसी काम के नहीं हो, जाओ और एंट्रेंस ढूंढो। और फिर दिखाते हैं वो रेड से कहने लगता है हमें ऊपर की तरफ ले चलो हवा में, शायद उनको वहाँ से एंट्रेंस दिख जाए। दिखाते रेड कहते हैं ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। दिखाते हैं मिंग जान उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है अरे तो वही पिथिकल क्रिएचर है जो सीमास के यहाँ से भाग गया था। लिनाई कहता है हाँ बिल्कुल सही है वो ही है। मियांग चांग कहता है तो तुम ही ने सीमा और लूंस के बीच के विवाद को और ज़्यादा भड़का दिया है। लिहाई कहता है हाँ मैंने किया था। और फिर दिखा दे वो कुछ नहीं कहता, घबरा जाता है। और फिर उसको तो मैं दिखा दे लिहाई कहता है रेड चलो चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो रेड के ऊपर चढ़े आते हैं और फिर रेड हवा में आ जाता है, ढूंढ रहे होते हैं आसपास। लिनाई की नज़र एक आइलैंड पर पड़ती है, वो कह रहा होता है अरे वहाँ पर तो आग जल रही है चलो अपन वहीं चलते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो उस आइलैंड पर उतर आते हैं। और फिर दिखा दे वो थोड़ा आगे चल के जाते हैं तो जागडू वो आग लगा कर बैठा रहता है, मछली पका रहा होता है। दिखा दे उसको देख के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कह रहा होता है डायमंड मैंने तुमको एक मिशन दिया था और तुम यहाँ पर फिशिंग कर रहे हो। जागडू कहता है ज़रा रुको मास्टर मेरे को एंट्रेंस मिली नहीं रही थी लेकिन मुझे एक अच्छी चीज़ मिली है। और फिर दिखाया जाता है वो उस मछली के मुँह से कुछ निकाल के लिहाई की तरफ फेंकता है। दिखा दे लिहाई उसे पकड़ता है, उसे बताया जाता है कॉन्ग्रेचुलेशन तुमको एक वाटर प्रूफ पैरल मिला है। और वाटर प्रूफ पैरल एक एक्यूटिक क्रिएचर का कोर है और इसमें एंटेनमेंट्स भी हैं। दिखा दे लिहाई ये देखता है ओके रहो तो ओ ये एक्यूटिक क्रिएचर का कोर है। और फिर दिखाते हैं वो लिहाई वो और फिर दिखाते वो जागडू को शाबाशी देता है और कह रहा होता है तुमने काफ़ी अच्छा काम करा चलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। और फिर दिखाते हैं और फिर इसको तुम्हें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। लिहाई अपने ईगल के ऊपर रहता है, वो लोग लैंड की तरफ देखते हैं। दिखाते हैं मिंगजांग बताता है, मिंगजांग कहता है अरे इसको देखे मेरे को कुछ याद आया। और फिर दिखाया तो वो बताने लगता है पेगलाइन आइलैंड के एंट्रेंस यहाँ से लगभग 200 मील साउथ ईस्ट में है। और फिर दिखाते हैं वो मिंगजांग के कहे मुताबिक उस तरफ बड़े आते हैं। और फिर दिखाते हैं मिंगजांग कह रहा होता है जरा उस शोवर की तरफ देखो, लिहाई उस बड़े से पत्थर के अंदर अपनी वेलिडिटी चेक को इंसर्ट करो फिर एंट्रेंस तुमको दिख जाएगी। और फिर दिखाया जाता है लिहाई उसकी बात सुनने के बाद वहाँ जब मारते हुए पानी में उतर आता है। और फिर दिखाया जाता है वो उस बड़े से माउंटेन की तरफ इंसर्ट करते हैं अपने चेक को। और फिर तभी दिखाया जाता है वो कह रहा होता है जरा रुको। और फिर दिखाया जाता है उस माउंटेन में कुछ होने लगता है बड़े से। और फिर दिखाया जाता है लिहाई दूर खिसकता हुआ जाता है। और फिर दिखाते हैं मिंगजांग बताते हैं अरे मुझे अभी जस्ट याद आया जो एंट्रेंस है ना वो तो हफ्ते में सिर्फ एक बार खुलती है, तो हमें 3 दिन इंतजार करना होगा उस एंट्रेंस का डबल से ओपन होने के लिए। दिखा दे लिहाई सुनने के बाद गुस्सा करते हुए कहता है तो तुम इसका मतलब तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। दिखा दे वो कह रहा होता है मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है लिहाई मैं तुम्हें फंसाऊं। दिखा दे लिहाई कह रहा होता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, अब अपने लोग क्या करें। मिंगजांग बताता है यहाँ से 20 मील दूर एक छोटा सा आइलैंड है, मेरे दोस्त और मैं वहाँ पर वेट करते हैं शिप के लिए जो कि वहाँ से आती है और हमें यहाँ तक ले जाती है। अब लोग 3 दिनों के लिए वहाँ पर रह सकते हैं। दिखा दे लिहाई कहता है अच्छा ठीक है। और फिर दिखाते हैं वो लोग अपने पंच में बैठते हैं और फिर हमें 3 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लिनाई शिप की तरफ देखते हैं और क्या होता है लगता है कि इस लैंड के ऊपर लोग भी होंगे। और फिर दिखाया जाता है वो उस लैंड के ऊपर उतर आते हैं। लिनाई अपने रेड को वापस भेज देता है। दिखाते जाडू कह रहा होता है मास्टर वो शिप काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है। और फिर दिखाया जाता है वो शिप की तरफ देखते हैं और क्या होता है ये तो पायरेट्स हैं। और फिर दिखाते लिहाई कह रहा होता है चलो आप लोग एक बार चेकआउट करके आते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो लोग जंगल की तरफ अंदर चलते हुए जा रहे होते हैं, उन्हें मदद की आवाज़ आ रही होती है, कोई कह रहा होता है प्लीज़ हमारी हेल्प करो। और फिर दिखाया लिहाई नज़रा देखता है यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिन्होंने काफ़ी सारी लड़कियों को पकड़ के रखा हुआ रहता है और वो सारी लड़कियाँ मदद के लिए चिल्ला रही होती हैं बोल रही होती हैं। दिखा दिया उनकी तरफ देखता है वो कह रहा होता है ये कमीने। और फिर वो अपने बोबी से कहता है बोबी जाओ और उन सब के बॉल को स्मैश कर दो। दिखाया था वो भी कहता है अच्छा ठीक है मास्टर। और फिर दिखाया जाता है एक आदमी लड़की को तंग कर रहा होता है, तभी दिखाया जाता है जागडू उसके पास आता है और उसकी बॉल को स्मैश कर देता है। दिखाते वो लोग कहने लगते हैं अरे ये क्रेजी डॉग कहाँ से आ गया। और फिर दिखाया जाता है जागडू उन सबके बॉलों को कुचलना शुरू कर देता है काट काट के। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है वो लोग जागडू से डर के वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं चिल्लाते हुए। दिखाते जागडू हंसते हुए कह रहा होता है तुम लोगों का मेरे से कोई मैचअप ही नहीं। और फिर इसको तुम्हें दिखाते सही लड़कियाँ घबराई हुई रहती हैं और कह रही होती है प्लीज़ हमें जाने दो। लिहाई कह रहा होता है तुम लोगों को मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करूँगा। दिखाते वो कह रही होती है क्या तुम चाइना से हो। लिहाई कहता है हाँ और कहता है अब तुम लोग एकदम सुरक्षित हो। दिखाते वो लोग लिहाई को शुक्रिया बोलते हैं। और फिर इसको तुम्हें दिखाया जाता है कमीना उठता है अपने गुल्लों को पकड़ते हुए पर वो दूसरे सेकंड में गिर पड़ता है। दिखाते लिनाई कह रहा होता है मिंगजियांग और जागडू इन लड़कियों का ध्यान रखना, वो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। और फिर दिखाया जाता है लिहाई डाले चलते हुए दूर की तरफ जाने लगता है। और फिर दिखाते लिहाई किनारे पे पहुंच जाता है जहाँ पे उन लुटेरों ने वहाँ पे जो लोग रहते हैं ना उनको सामने करके रखा हो रहे थे, जितने भी लड़के लोग रहते हैं यहाँ पर रहते हैं। वो अपने बंदों से कह रहा होता है इन सबको मार डालो और इन लड़कियों को संभाल के रखना। लिनाई उनकी तरफ देखते हैं और कह रहा होता है ये पाछो तो बस पायरेट है कल्टिवेटर नहीं है तो ये कोई मुसीबत की बात नहीं। और फिर दिखाया जाता है उनमें से एक बंदे का सर उड़ाने वाला होता है कि तभी दिखाया जाता है लिहाई सुन करके आता है और उन सबको नॉक कर देता है। वो लोग ये देख के काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और हैरान भी होते हैं, कह रहे होते हैं उसने तो इन सबको एक झटके में नॉक कर दिया, क्या इस बंदे को हेवन से भेजा है।
दिखा दिया उनके सामने अपेयर हो जाता है और कह रहा होता है क्या तुम लोग ठीक हो, इस आइलैंड पर जितने पायरेट थे मैंने उन सबको मार दिया है, दिखा दे वो लोग रिहाई का शुक्रिया कहते हैं। और फिर तभी दिखाया जाता है यहाँ पर एक बंदे की एंट्री होती है जो कि चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रास्ते में खड़े होने की। और फिर इसको हमें दिखाया जाता है समुद्र में एक बड़ी सी लहर उठती है इनकी तरफ ही आ रही होती है, सब लोग डर के भागना शुरू कर देते हैं। लिहाई कह रहा होता है लगता है कि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पायलट भी है इन सब में। और फिर दिखाया जाता है लिहाई यहाँ पे अपने हेवनली स्क्रॉच का यूज़ करता है और फेरी फायर लगा देता है। और फिर दिखाते हैं वो लहर बारिश बन जाती है। और फिर इसके बाद हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जिसने ये करा है, वो कह रहा होता है बाशर तुमने मेरे सारे आदमी को मार डाला, मैं तुमको मार डालूंगा। और फिर दिखाया जाता है वो डबल से एक पाने का स्लैश करता है उसकी तरफ, दिखाते लिहाई कह रहा होता है ये तो कोर फॉर्मेशन के लास्ट स्टेज पर है लेकिन मेरे लिए डरने की कोई बात नहीं। और फिर दिखाया जाता है लिहाई भी सामने से अपनी आँखें दीवार बना लेता है। और फिर दिखाया जाता है वो बंदा वाटर से ड्रैगन बना लेता है। और फिर दिखाया जाता है लिहाई फायर बॉल बना लेता है और कह रहा होता है दिखाओ तुम्हें कितना दम है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। और फिर इसके हमें दिखाया जाता है वो बंदा अपने ड्रैगन से लिहाई को ऊपर अटैक करवा देता है, बट लिहाई भी अपने फायर बॉल से उसके ड्रैगन को चकना चूर कर देता है। दिखाते हैं देखे वो बंदा काफ़ी हैरान होता है और कह रहा होता है क्या तुम एक चाइनीज कल्टीवेटर हो, बेहतर होगा कि तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करो, क्यों बिना फालतू में इन लोगों के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो, ये लोग तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। दिखा लिहाई उसे उंगली करते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो, यहाँ तक कि चाइना के भिखारी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे मुकाबले में लिए, और आखिर तुम्हारी चाइनीज लोगों को किडनैप करने की हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारे पिछवाड़े पर लात मारूंगा। दिखाते वो आगे से कहता है बास्टर्ड मैं तुमको मछली को खिला दूंगा, और ऐसा कहते हुए वो लिहाई को ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दिखाते लिहाई उसकी पावर को महसूस करता है और कह रहा होता है अरे ये तो इंटेनमेंट्स की पावर है। और फिर दिखाया जाता है वो लिहाई को बचम करते हुए अटैक कर रहा होता है, लिहाई भी आगे से तैयार हो जाता है अपने वेपन के साथ और अपने स्काई स्लैश का यूज़ करता है। दिखाते वो अंदर पीछे की तरफ घसीटता हुआ जाता है और कह रहा होता है आखिर तुम कौन हो। लिहाई कहता है मैं लिहाई हूँ लेली से और ये एक चाइनीज सेक्टर है। दिखाते वो अंदर कह रहा होता है तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और इस फाइट का रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, अब लोग लड़ना बंद कर देते हैं। दिखा दिखाई कह रहा होता है तुम्हारे सपनों में, दिखा दो बंदा कह रहा होता है तुम एक चाइनीज़ हो और ये कोई रीजनेबल नहीं है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। दिखा दे लिहाई कह रहा होता है बस मुझे दिखाओ तुम क्या कर सकते हो। दिखा दे सुनने के बाद वो एक बड़ी सी लहर बना लेता है उसके ऊपर होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुमको क्या लगता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, चलो मैं अपना बेस्ट मूव दिखाता हूँ। और ऐसा कहते हुए वो पाने की बहुत सारी तलवारें बना लेता है और लिहाई के ऊपर अटैक कर देता है। दिखाते लिहाई कह रहा होता है क्या ये एक मैजिक ट्रिक है, और वो कहता है अच्छा ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अपनी मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। और फिर लिहाई यहाँ पे अपने हेवनली स्क्रॉच का यूज़ करता है, दिखाते आसमान से मीटियर की बारिश हो जाती है। दिखाते वो बंदा भी ये देखे काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर दिखाया जाता है एक मीटियर उसमें भी लगता है वो भी आग में निपट जाता है पानी में गिरता है। लिहाई कहता है ये हेवनली स्क्रॉच की फायर है तुम इसे बाहर नहीं निकल सकते। और फिर दिखाया जाता है लिहाई पानी की तरफ देखता है और सोचा होता है लगता है कि पानी के अंदर कुछ है। और फिर दिखाया जाता है पानी के अंदर से एक तीन सरों वाला सांप निकलता है, दिखाते वो सांप लिहाई के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कमीने तुमने मेरे ह्यूमन फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। दिखाते लिहाई ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कह रहा होता है तो वो आदमी तुम लोग थे, और वो सोच रहा होता है इस क्रिएचर को देख के लगता है कि हेवन स्क्रॉल से बिल्कुल भी नहीं डरता। और फिर दिखाया जाता है लिहाई अपने वेपन के साथ तैयार हो जाता है और कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार डालूंगा, नहीं तो तुम और भी ज्यादा लोगों को हर्ट करोगे। वो आगे से कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम क्या करने के कैपेबल हो। और फिर दिखाया जाता है वो अपने मुंह से एक भीम निकाल के लिहाई को ऊपर अटैक करता है, वहाँ पे धमाका होता है बट दिखाया जाता है लिहाई जम करते हुए बाहर आता है उसे और उसके सिर के ऊपर अपने ठंडर से अटैक करता है और पानी के ऊपर जाकर लैंड करता है और सोच रहा होता है मुझे इसे किनारे से दूर ले जाना होगा नहीं तो इसकी वजह से ब्लेजर्स हर्ट हो सकते हैं। और फिर दिखाया जाता है वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कह रहा होता है कम और मेरे पीछा वो कमीन है। और फिर दिखाया जाता है लिहाई उसे भागना शुरू कर देता है, वो कह रहा होता है मैं तुम्हें मार डालूंगा और लिहाई का पीछा कर रहा होता है और साथ साथ अटैक भी कर रहा होता है। लिहाई मुड़ता है अपने वेपन को निकालता है और उसका अटैक को फेल कर देता है। और फिर दिखाया जाता है वो अपने पूछ से अटैक करता है और कह रहा होता है इस बारे में क्या ख्याल था, और वो पूछ से मार के लिहाई को पानी के अंदर गिरा देता है। दिखा लिहाई पानी के अंदर होता है वो भी पानी के अंदर आ जाता है। लिहाई उसकी तरफ देखता है और कहता है सोच रहा होता है लिहाई अपना वेपन हिला रहा होता है और सोच रहा होता है अब मुझे समझ में आया कि वुकोंग को अंडर वाटर फाइट करने से इतनी ज़्यादा नफरत क्यों है, ये काफ़ी थका देने वाला है। दिखा दे उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है कितना फनी है। और फिर वो लिहाई को बाहर उछका देता है पानी के। और फिर दिखाया जाता है लिहाई सोच रहा होता है अरे हाँ मेरे पास वो वाटर प्रूफ पेरा लेना। और फिर दिखाया जाता है वो उसे निकाल लेता है और सोच रहा होता है ये शायद मेरी मदद कर पाए। और फिर दिखाया जाता है वो डबल से पानी के अंदर चला जाता है। दिखाया जाता है वो साफ कह रहा होता है तुम इस वाटर प्रूफ पेरल से भाग नहीं सकते, ये समुद्र मेरा है मैं तुम्हें मार डालूंगा। और फिर दिखाया जाता है लिहाई इसको प्रेडे कर रहा होता है शायद और सोच रहा होता है लिहाई सोच रहा होता है ये वाटर प्रूफ पेरल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी मदद से मैं पानी के अंदर भी सांस ले सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें दिखाते हैं वो ड्रैगन रोल करना शुरू कर देता है। दिखाते लिहाई अपने सीने पे हाथ रख लेता है और कह रहा होता है डैमेड इसके साउंड वेव तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक वाटर प्रूफ पैरल भी इसे रोक नहीं पा रहा है। और असल में वाटर प्रूफ पैरल ने लिया है कि आसपास हल्के से शील्ड बना लिया शायद ऐसे ही कुछ होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते वो साफ हंसते हुए कह रहा होता है तुम तो काफी ज्यादा टफ चाइनीज हो लेकिन तुम मेरे अड्डे के सामने और इस वाटर प्रेशर में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो तुम तो समुद्र में मर जाओगे। दिखाते लिया कह रहा होता है तुम एकदम सही हो मेरे इस समुद्र के अंदर तुमसे कोई मुकाबला नहीं इसलिए मैं बाहर जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए यहाँ पे लिया कुछ करता है और समुद्र से बाहर आ जाता है शायद उछकता हुआ। दिखाते वो ड्रैगन भी पीछे पीछे उसके आ जाता है बाहर।
और गाइस बस आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं पर एड करेंगे। और इस एपिसोड में आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा, जो आपको ज़्यादा पसंद आया हो तो वो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, टू बी कंटिन्यूड।